योगी आदित्यनाथ की बेहद सख्त और साफ हिदायत का भी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। मेरठ में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी और भाजपाइयों का बवाल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ये बवाल बीजेपी नेता के बेटे की कार पर हूटर लगा होने के कारण शुरू हुआ। आरोप ये भी है कि मेरठ के बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे ने पुलिस के साथ मारपीट और दरोगा और इंस्पेक्टर्स के साथ हाथापाई भी की और बाद में दबाव के कारण पुलिस को भाजपा नेता के बेटे को छोड़ना पड़ा। बताया ये भी जा रहा है कि चौराहे पर चेकिंग कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर ने जब चौराहे पर हूटर बजाते हुए निकल रहे बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे को रोका तो उन्हें वर्दी उतारने की धमकी दी। त्यागी जी अपने लड़के का नाम करवा लेंगे, अपने जमीन आप करवा रहे यार यहाँ मुझे लग रहा है जो इनका सत्ता का नशा था वी सपा गवर्नमेंट का वो नशा इनका अभी तक उतरा नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाना, ये मुझे लगता है इनका ये पेशा है। पर ये भाजपा की सरकार है, इन लोगों का एहसास होना चाहिए कि वो गुंडागर्दी की सरकार खत्म हो चुकी है और जो भी होगा पार्टी निर्णय करेगी वो कार्रवाई होगी इनके अगेंस्ट। नहीं, इनका तो कहना ये है कि गाड़ी में सायरन था, तो गाड़ी में अगर सायरन था तो कौन सा गुनाह है? अभी 5 साल या 10 साल तक लगातार चोर उचक्के सायरन लगा के थाने में घुसते थे और ये चौकी छोड़ छोड़ के अंदर घुस जाते थे, तब उनको सायरन दिखाई नहीं दिया। और अगर सायरन था तो चालान कर दो, गाड़ी सीज कर दो, बच्चे के साथ बदतमीजी का क्या मतलब है? देखिए, अभी धाराओं का मुकदमे की बात, अभी पूरे वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है, दोनों पक्षों को सुना जा रहा है और इसमें कहाँ कहाँ गलती हुई, क्यों बात यहाँ तक बढ़ी, इसकी भी जांच की जा रही है। कई बार छोटी सी बात की वजह से भी बात बड़ी हो जाती है। पूरे प्रकरण की जांच करके ही इसमें कुछ कह पाना संभव। दोनों पक्ष अपने अपने फुटेज दिखा रहे हैं। आपकी बात सही है, ये फुटेज भी है जिसमें थानेदार के साथ खींचातान की जा रही है, उसको धमकाया जा रहा है, और इस दूसरे पक्ष के पास भी अपने कुछ फुटेज हैं जो वो दिखा रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि लड़के को जबरन गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों तरह की फुटेज है हमारे पास, दोनों तरह की फुटेज की जाँच की जा रही है। राजीव हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजीव, साफ तौर से निर्देश है सीएम का, उसके बावजूद उस निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, पुलिस को भी ये कहा गया है कि चेहरा देखकर ना कार्रवाई करें, जो गलत है वो गलत है, ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में था कि पार्टी और चेहरा देखकर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, इसके बावजूद पूरी घटना को अगर देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में आती दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई थी, हिरासत में लिया गया था नेता पुत्र को, उसके कुछ घंटे बाद वार्ता का दौर चला और उसके बाद उस मेडिकल कराकर जो नेता का पुत्र अंकित है उसको जो है थाने से ही छोड़ दिया गया। फिलहाल इतनी बात जरूर पुलिस कह रही है कि मोटर व्हीकल एक्ट में चालान किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल जांच की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो कार्रवाई है वो दबाव में होती दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया राजीव, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि जो ये लोग बेलगाम हो रहे हैं उस पर कैसे एक्शन होता है आगे आने वाले दिनों में।